कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के तहत अंबाला छावनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पदयात्रा में पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा तो वही भाजपा व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना भी साधा। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने वायरल हो रहे ट्वीट को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब भाजपा के आईटी सेल का खेल है। अपना फ्रेम सेट रखो, प्लीज रिक्वेस्ट है। कार्यक्रम चल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब, इस दौरान इसके माध्यम से भाजपा के 10 साल, भाजपा सरकार ने 10 साल जो हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया हरियाणा में। हरियाणा को भाजपा ने बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में, अपराध में आश्वस्त है। जीत को लेकर हमें पूरा विश्वास है, लोगों का साथ और आशीर्वाद मिलेगा। मैं लगातार आपने जो है लोगों के एक एक हरियाणा में कोने कोने में मुझे जाने का अवसर मिला है, और मैं अगर पिछले 1.5-2 महीने में देखूं तो लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है। तो प्रदेश के हर कोने में एक ही आवाज़ आ रही है कि बीजेपी की सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहे हैं, एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है तो दूसरा रणदीप सुरजेवाला का है, कंट्रोवर्सियल है दोनों, क्या कहेंगे? ये तो आपको पता है, ये बीजेपी आईटी सेल के लोग इस तरह काम करते हैं। क्या कहेंगे अनिल? अनिल विज जी ने कहा कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, इनके चुनाव नहीं हुए, इसको रद्द हो जाना चाहिए चुनाव आयोग से। अब ये अब वो उनकी जो है उनकी इच्छा का, तो हम क्या करें? आज हम क्या देख रहे हैं, भारत सरकार ने जो NCRB की रिपोर्ट जारी करी है अप्रैल में, जो है माननीय गृह मंत्रालय के माध्यम से, उसमें ये दिखाया गया है कि क्राइम रेट देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में, सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में। ऐसा क्या हरियाणा के अंदर कितना नुकसान कर दिया होगा 10 साल में? जो अमन चैन शांति का प्रतीक प्रदेश था वो आज क्राइम में देश में नंबर 1 है।